सुप्रीम कोर्ट में डस्का NA-75 केस की समाअत, लीगी वकील सलमान अकरम राजा की सरजनिश। जस्टिस बंदियाल ने कहा, आप जिन फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो चंद पोलिंग स्टेशन के लिए थे, यहाँ रिपोलिंग का हुक्म पूरे हलके के लिए है। आप आज भी असल नुक्ते की तरफ नहीं आ रहे। गुज़िश्ता हफ्ते भी दलाइल मुकम्मल ना करने पर हंगामा खड़ा हो गया था, आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करें। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। कोरोना से सहतियाबी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पहले काबीना इजलास की सदारत करेंगे। दवाओं की कीमतों की मंजूरी दी जाएगी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पेश होगी। रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी भी दी जाएगी। चीनी के स्कैंडल पाकिस्तान में नई चीज नहीं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, सट्टेबाजों ने व्हाट्सएप पर चीनी की कीमतें बढ़ाई। FIA और NAB को तमाम मवाद फराहम कर दिया। कीमतों में इजाफे की मिल्स के साथ मार्केट फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं। रमजान में चीनी की कीमतों में 20% इजाफे की इतलात थी। पंजाब में 8-10 बड़े खिलाड़ी पूरी मार्केट चलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। हुकूमत नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। 3 साल के बाद भी हुकूमत वजीर खजाना तलाश कर रही है। एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क की तकदीर बदलने का दावा करने वालों की मौशी पॉलिसीज ने अवाम को बिल देने के काबिल भी नहीं छोड़ा। हुकूमत के पास मौशी टीम है ना तजर्बा। आटा और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ड्रामा किया जाता है। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की फरोख्त की इजाजत दे दी। निजी फार्मा कंपनी की तौहीन अदालत की दरखास्त पर ड्रैप ने जवाब जमा करा दिया। कहा 31 मार्च को वैक्सीन रिलीज कर दी थी। अदालत ने कह दिया, वैक्सीन जितनी जल्दी लोगों को लग सकती है लग जाए। और खैरपुर मेहरान हाईवे हादसे में जख्मी एक और बच्चा दम तोड़ गया। नवाबशाह अस्पताल में जेरे इलाज था। 2 रोज पहले हादसे में जान बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई।